हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडुशाला। आज एक और जॉब की अपडेट लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। जॉब है कोऑर्डिनेटर स्पेशल एजुकेटर और रिसोर्स पर्सन की। इसकी सैलरी होगी 31,400 और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 12 सितंबर। इस वैकेंसी के एडवर्टीजमेंट को डिटेल में देखेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आइए जानते हैं कि क्या वैकेंसी आई है। तो ये वैकेंसी आई है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से। मैं चार पोस्ट पर वैकेंसी आई है। पहली है रिसोर्स पर्सन एट बीआरसी, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, गुजराती, साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ECCE रिसोर्स पर्सन एट बीआरसी की पोस्ट है। इसके लिए आपकी सैलरी है 31,400। इसके बाद जो सेकंड पोस्ट है, यह है रिसोर्स पर्सन फॉर CWSN एट BRC और इसके लिए आपकी सैलरी होगी 25,750। तीसरी पोस्ट है CRC कोऑर्डिनेटर, इसकी सैलरी रहेगी 30,000। और चौथी पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी लेवल पे, तो इसकी सैलरी रहेगी 27,000। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एट BRC के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ग्रेजुएशन, यानी कि BA, BSc और BCom, और उसके साथ BEd या BEd या फिर DLed। इसके साथ साथ आप TET या फिर CTET क्वालिफाइड होने चाहिए। सेकंड पोस्ट है ECCE रिसोर्स पर्सन एट BRC, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम DECED ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर, या फिर BEd नर्सरी फ्रॉम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। साथ ही आपको गुजराती, हिंदी, इंग्लिश और मराठी की नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ ECCE या फिर ऑफ प्री स्कूल। थर्ड पोस्ट है रिसोर्स पर्सन फॉर CWSN एट BRC, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएट विद BEd स्पेशल एजुकेशन से, और BEd जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, और BEd जनरल विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, और BEd जनरल विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। इसके अलावा BEd स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन PGPC या फिर PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है जो कि RCI से अप्रूव्ड है, तो वो भी मान्य होगा। चौथी पोस्ट है CRC कोऑर्डिनेटर की, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चाहिए। इसके अलावा पांचवा जो पोस्ट है वो है स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी लेवल पे, जो मेंटल रिटार्डेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन विद BEd विद स्पेशल इन स्पेशल एजुकेशन, और BEd जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो ये थी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब बात करेंगे कि आपको एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है। तो एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन सबमिट करना है। इसकी हार्ड कॉपी आपको ऑन और बिफोर 12 सितंबर 2020 बाय 5 PM सबमिट करनी है, यानी कि शाम को 5 बजे के पहले पहले आपकी एप्लीकेशन वहां तक पहुंच जानी चाहिए। एप्लीकेशन आपको कहां सबमिट करना है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेक्रेटेरिएट, रूम नंबर 13, 66 KV रोड, सिलवासा, दादर, दादरा एंड नागर हवेली। इस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। तो आपको एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रहे हैं। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसको प्रिंट आउट निकाल के जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आप उसको बाई पोस्ट सबमिट कर सकते हैं। एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे मेंशन की गई है। आशा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।